Sumit Kumar, who's an Indian hockey player who was also part of the team that won the bronze medal at the Paris Olympics in 2024. He was also part of the team that played in the 2020 Tokyo Olympics. Indian hockey broke a 41-year jinx by clinching a bronze medal at the Tokyo Olympics, and he represented India in various national and international tournaments, contributing to the team's performance with his agility and goal-scoring ability. Sumit, thank you so much for joining us on the broadcast. Aapse, of course, sabse pehle to ye jana chahenge, you're a two-time Olympic medal winner. What does it feel like, Sumit? जी बिल्कुल, प्राउड मोमेंट है. मैं मेरे लिए तो है ही, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है ये, और बड़ा अच्छा लग रहा है. खुशी का माहौल है पूरे देश में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, पूरे में बड़ा अच्छा लग रहा है. सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पेरिस 2024 का सबसे यादगार पल आपके लिए क्या रहा? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जीत, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टर्न अराउंड था, या कोई और मोमेंट था जो आपके लिए सबसे यादगार है? हमारा क्योंकि डिसाइडेड मैच क्वार्टर फाइनल था, है ना, उसमें अमित को रेड कार्ड हो गया था, और वो मैच बिल्कुल डिसाइडेड था. वो हमने 10 प्लेयर से जीता है मोस्टली, क्योंकि अमित को फर्स्ट क्वार्टर में कार्ड हो गया था, और वही हमारा सबसे बेस्ट मैच रहा था. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सुमित, एट द सेम टाइम, सुमित, आपको कहीं लगता है कि हॉकी के लिए अब सपोर्ट बढ़ रहा है, और आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों को जो आज देख रहे हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जो आप लोग को देखते हैं कि आप जाते हैं, मेडल जीतते हैं, तो उनका भी मन करता है कि हॉकी को एज अ सीरियस स्पोर्ट देखें वो? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, हॉकी को आप और ज़्यादा प्यार करिए, हम आपको और ज़्यादा मेडल ला के देंगे, ये बिल्कुल वादा करते हैं आपसे. एट द सेम टाइम, सुमित, जो अब आपको एक हीरोज वेलकम भी मिला है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए. प्रधानमंत्री ने आपको ऑफकोर्स आज बुलाया सम्मानित करने के लिए, अब क्या महसूस होता है? जी बिल्कुल, एक छोटे से गांव से जा रहा हूं मैं, और बड़ी प्राउड मोमेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, कोई भी प्लेयर हो उसमें, और मेरे लिए बिल्कुल प्राउड मोमेंट है. मैं पीएम से मिलूंगा, और उनके जो भी बात होगी उनके सुनूंगा, उनसे बात करूंगा. सुमित, ऑफ कोर्स हमने आपके और भी टीम प्लेयर से अभी बात करी है, एंड भारत का पूरा सपोर्ट है टू इट्स हॉकी प्लेयर्स. हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, बट ऑफकोर्स अब ये जानना चाहेंगे कि अब अगले ओलंपिक्स में ऑफकोर्स फोकस रहेगा गोल्ड पे, तो क्या सोचा है टीम ने कि किस तरह से तैयारी करेंगे आप? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी हमारा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट अभी जो टूर्नामेंट है वो एशियन चैंपियन ट्रॉफी है, क्योंकि हम भी अभी 25 से शायद कैंप लग रहा हमारा, तो हमारा फोकस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा यही टारगेट है कि आगे जो भी टूर्नामेंट हो उसमें अपना 100% रिजल्ट दे के आए, और अपना 100% दे, और आने वाले जो भी हमारी टूर्नामेंट है वो जीते हम कंट्री के लिए. एब्सोल्युटली. सुमित, बिफोर वी लेट यू गो, एक आखिरी सवाल. ऑफ कोर्स इस बारी जब हमने मैचेस देखे बेल्जियम, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, तो हमने एक एग्जाम्पल देखा है ऑफ अ टीम स्पिरिट दैट वॉज सेट बाय द इंडियन हॉकी टीम. आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हैं, एंड ऑल्सो आपका क्या मैसेज रहेगा नाउ टू यंग प्लेयर्स हु आर एस्पायरिंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स दैट आर एसेंशली टीम स्पोर्ट्स? जी बिल्कुल, आपने टीम स्पिरिट, बाकी देखा ही है सबने, जो क्वार्टर फाइनल खेले हैं हम, एक प्लेयर कम था हमारा उसके बावजूद, और टीम स्पिरिट बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी. हम जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, और ग्रेट टीम थी, ग्रेट एफर्ट था, तभी आप लोगों ने देखा हम मेडल लेके आए कंट्री के. फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन.